Yes, सर। ये क्या हो रहा है सर? तुम्हारे आदमियों को बेल नहीं दी तो तुमने फीमेल पुलिस ऑफिसर्स के साथ बहुत बदतमीजी की। क्या हमने? तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है? बेल देने के बजाय उन सबको अंदर कर दिया। मेरे उन सबके बेल ऑर्डर, सबको बाहर निकालो। वैजयंती सर, ये सब क्या हो रहा है? बेल ना मिलने की वजह से तुमने हमारे पुलिस वालों के साथ बहुत बुरी तरह मारपीट की। मारपीट हमने? नहीं तो क्या मेरे बाप ने? अगर हम अंदर गए तो कोई ना कोई केस ठोक देगा हमारे ऊपर। हम यहीं पर रहेंगे और उन्हें लेकर जाएंगे। अटेंशन! ये तो बॉम्ब है। आ तो थोड़े से खेलते हैं। अरे फेंको इसे जल्दी। हाँ, क्या कर रहे हो? ठीक है, संभालो। एसीपी, क्या ये सब? जब मैंने तुम्हारे आदमियों को बेल नहीं दी तो तुमने पुलिस स्टेशन ही उड़ा दिया। हमने हेलो सर, होम मिनिस्टर लाइन पर है। लाइन पर अब होम मिनिस्टर हो या फिर प्राइम मिनिस्टर हो, जिन गुंडों को हमने जेल में डाला है उन सबका आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड सब कुछ लेकर 15 मिनट में अगर वो यहाँ पहुँचे तभी बेल मिलेगी। अगर बिना इन डॉक्यूमेंट्स के कोई भी इस पुलिस स्टेशन में आए तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके पार्सल कर देना। वे जानते मुझे होम मिनिस्टर समझा या राशन कार्ड मिनिस्टर? जी के राजा। वे जानते आज तक जीके ने किसी भी पुलिस स्टेशन में कदम नहीं रखा है ना? नहीं सर। अगले 15 मिनट में कुत्ते की तरह भागते हुए आएगा, देख लेना। नमस्ते जीके राजा, नमस्ते जीके राजा, नमस्ते जीके राजा। यार, मैं पहले नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है। पहले आप चाहिए ना प्लीज। हाँ नमस्ते होम मिनिस्टर सर। और कमीशन तो घर पर टाइम पर पहुंच रहा है ना? हाँ पहुंच रहा है ना। नहीं 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 राजा, किसी ने कंप्लेंट दी क्या? वो सब बातें होती रहेंगी। सर के लिए एक चेयर लेकर आओ। मैं हमारे सर की बात कर रहा हूँ। ओके सर। ऐसे लोगों के सामने कमिश्नर खड़े नहीं होते। आप कुछ चाय कॉफी लेंगे सर? वाह क्या बात है बेटा, चाय दो, कॉफी दो या साथ में ठंडा भी दो, कोई बात नहीं। क्यों जी की राजा? नहीं, या उनके आदमियों को ऐसे ही छोड़ दो, कुछ नहीं देना पड़ेगा। ये लो आईडी कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब है। मेरे आदमियों को छोड़ो। वैजयंती उन थर्ड क्लास क्रिमिनल्स को बाहर निकालो। यस सर। छोड़ रहा है सर? सर सर नहीं सर, नहीं सर, बाहर नहीं आएंगे सर। अगर हम बाहर आए ना तो ये लोग हमें मार मार के हमारी हालत खराब कर देंगे, हमें वापस अंदर कर देंगे सर। हमें बाहर नहीं आना, हम यही चाहिए सर। कंधे लफंगे कहीं के, जी के राजा सब संभाल रहे तो फिर डर क्यों रहे? जब तक वो है तब तक ये प्रॉब्लम है। मैं सब समझ गया, अपना दिमाग लगा के मैं अभी फोन लगाता हूँ। ऐसा फोन लगाऊंगा कि अभी के अभी सब निकल जाएंगे। चलिए प्रॉब्लम क्या है तेरी ये बता मुझे। हाँ? मेरे भाई और उसके दोस्तों ने उस घूंगी लड़की को मारा, बस यही ना? अगर इसे प्रूफ करना है तो कोर्ट में जा, गवाह ला, सबूत, तारीख और तारीख पर तारीख, यही चलता रहेगा। ये तो नॉन प्रोसेस है। ये सब होते हुए भी मैं अपने भाई को पार्लियामेंट में जरूर बैठाऊंगा। पॉलिटिशियन कौन होता है इस बात का पता है तुझे? पॉलिटिशियन होता है किंग। तुम्हारे जैसे सैकड़ों ऑफिसर सलाम ठोकते हैं इस राजा को। पॉलिटिशियन है लीडर, मैं जो कहता हूँ वही लकीर बन जाती है। मेरे आगे दुम हिलाते घूमते फिरती है ये जनता। पॉलिटिशियन इज अ मजीशियन, नो माया। तुम्हारी असली औकात क्या है ये याद दिलाऊं तुम्हें? मंत्री राजा ये यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगा,
ये यहीं रहेगा। जब मैं इसे मारूंगा तो ये मेरे पैरों पर गिरकर माफी मांगेगा। हे एसीपी, मैं तुम्हें एक वीक का टाइम देता हूँ। अगर असली मर्द है तो मेरे भाई को ढूंढकर उसे लॉकअप में बंद करके दिखा। 1 वीक ट्राई कर ले। मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे रहा है? 1 हफ्ते में तो मैं डांस भी सीख लूंगा। तेरे भाई को ढूंढकर अंदर डालने के लिए मेरे लिए 1 हफ्ता नहीं, बस 2 दिन काफी हैं। शिवा, रास्ते पर चलते किसी आम इंसान के साथ तेरे ये आदमी कुछ भी कर सकते हैं। बिना कोई कॉम्प्रोमाइज तेरे इन आदमियों के टुकड़े टुकड़े करूंगा और तू देखता रह जाएगा। नहीं शिवा, तेरे भाई के फ्यूचर के बारे में एक जरूरी बात करनी है। यहाँ आना। एक्चुअली बात यह है कि गेट आउट। चिल्लाओ सारे। ठीक है, तुमने कहा था ना कि कोई ऐसा पुलिस वाला ढूंढो जो तुम्हारा सामना कर सके। मिल गया हमको। दुनिया कितनी छोटी है ना। वेल डन शिवा। थैंक यू सर।